शीतल बाखरे, स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमोलॉजिस्ट। आने वाला हफ्ता 1, 10 और 19, जिनकी बर्थडे है 28, उनके लिए कैसे रहेगा? डोंट मिस द अपॉर्चुनिटीज। काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आपको आने वाली है आने वाले हफ्ते में। सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभार अपॉर्चुनिटीज आती तो है, बट उसे क्या करूँ या ना करूँ, तो इसके लिए आपको सेल्फ मोटिवेट रहना पड़ेगा। अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स, किसी के साथ भी अननेसेसरी बात करते हैं आने वाले हफ्ते में, जिनकी बर्थ डेट है 2, 11, 20 और 29, कैसे रहेगा उनके लिए। खुशखबरी है आपके लिए कि फाइनेंशियल आपके पास बहुत अच्छी न्यूज़ आने वाली है। आपके बैंक अकाउंट में सडनली बहुत ज़्यादा पैसे आने वाले हैं, बट हाँ, आपको माइंडफुल भी रहना पड़ेगा, क्योंकि आपका बजट भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो सकता है। पैसे आएंगे तो खर्चे भी तो बनते हैं, बट हाँ, खर्चों पे थोड़ा सा कंट्रोल करोगे इस हफ्ते तो बैंक बैलेंस बना हुआ रहेगा। 3, 12 और उसके बाद में अगर 21 और 30 तारीख को आप बॉर्न हो, तो फेवरेट व्यक्ति से आप मिलोगे, जिससे आप मिलना चाहते हो। काफी सालों से, काफी दिनों से आप वेट कर रहे हो, लॉकडाउन और काफी सारी चीजों से आप अवॉइड कर रहे थे, बट यस, आप मिल सकते हो आने वाले हफ्ते में। हो सकता है आपको लॉटरी लग सकती है, बट उसके पहले लॉटरी की टिकट, मतलब कहीं ना कहीं से लकी ड्रॉ या किसी चीज में आपका नाम सेलेक्ट हो सकू। एंड 31st, ये हफ्ता आपके लिए कैसे रहेगा? हाई प्रोफाइल हफ्ता रहेगा गाइस, लग जाइए काम पे। जो काम आपके रुके हुए थे वो पूरे होने वाले हैं। हर चीज, मतलब लाइक ड्रीम कम्स ट्रू हफ्ता ये आपके लिए होने वाला है। दिस वीक आपको खाने का मन करेगा, कोई अच्छी अच्छी चीजें डेफिनेटली ऑर्डर करके आप खा सकते हो, क्योंकि फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी अच्छी रहेगी। रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, तो अवॉइड कर लीजिए। खुद दो एनिमोलॉजिस्ट बात करते हैं, जिनकी बर्थडे है 5th, 14th एंड 23। यस, आपका हफ्ता मूड बहुत ज्यादा स्विंग होने वाले हैं आपके। मैं आपको बताऊं तो यस, आपके पास एक ऐसी चीज मिलने वाली है आपको इस हफ्ते में, जिसका आप काफी दिनों से वेट कर रहे थे। आपको एक प्यारा सा गिफ्ट इस हफ्ते में मिल सकता है। जो भी आपकी डिमांड है वो भी शायद आपको मिल सकता है। ये बच्चों से लेके बड़ों तक ये वाला हफ्ता न्यूमोलॉजिस्ट कैसे रहेगा आने वाला हफ्ता, मतलब जिनकी बर्थडे है 6, 15 और 24 तारीख, आपके लिए तो दिन, मतलब हर दिन बहुत अच्छा होता है। हफ्ते की मैं क्या बात करूं, फिर भी गाइस ये वाला हफ्ता आपके लिए गुड न्यूज से भरा हुआ होगा। काफी सारी गुड अपॉर्चुनिटीज के साथ बेटर कंडीशन आपकी होगी, फाइनेंशियल कंडीशन में आपकी और ग्रोथ होगी, और काफी सारी बेटर न्यूज आपके पास होगी, आपका प्रमोशन। स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमोलॉजिस्ट के लिए बात करते हैं, जिनकी बर्थडे 7, 16 और 25 है, उनके लिए ये हफ्ता कैसे रहेगा? दिस वीक आपके लिए, क्या मैं बताऊँ, मैजिकल वीक इसे बोल सकते हो आप। आपने जो पैसे किसी को दिए थे ना, वो रिकवरी के ये हफ्ते में बहुत अच्छे चांसेस है। अभी से मांगना शुरू कर दीजिए, आपको हफ्ते भर में सारी रिकवरी हो जाएगी, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। आपके इस हफ्ते 8, 17 और 26, यस, वन ऑफ माई फेवरेट नंबर, जिनकी बर्थडे है 8, 17, 26, ड्रीम क्रम्स ट्रू हफ्ता रहेगा। मनी, बट ये मनी का जो मैटर है ना, ये आपके साथ हमेशा झूल झाल करते रहता है। तो अगर आपसे कोई पैसे मांगे, या फिर आपसे कोई पैसे लेने आए, या फिर कोई प्रोडक्ट आप खरीदने जा रहे हो, तो बड़ी सोच समझ के खरीदे। इस हफ्ते आपको कहीं ना कहीं उसे हम लोग बोल सकते कि फंसाया जा सकता है। न्यूमरोलॉजिस्ट जिनकी बर्थडे है 9, जिनकी बर्थडे है 18, जिनकी बर्थडे है 27, यस, आपके लिए ये हफ्ता, क्या मैं बताऊँ, मतलब मंगल ग्रह से आप बिलोंग करते हो, पूरा वर्क भरा होगा, मतलब बहुत ज्यादा वर्क होगा, ऐसे मैं बोल सकती हूँ। बट यस, ये काम जो आप करोगे ना, इसका रिटर्न आपको बहुत अच्छा मिलेगा, बट इमीडिएटली नहीं मिलेगा, आने वाले कुछ दिनों में मिलेगा। तो एनर्जी फुल ऑन रहेगी।